अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफी के वीडियो सबसे पहले। एमपी वीरेंद्र कुमार एक भारतीय राजनीतिज्ञ, लेखक और पत्रकार थे जो 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वो लोकतांत्रिक जनता दल राजनीतिक दल के सदस्य थे और पार्टी की केरल राज्य यूनिट के प्रेसिडेंट थे। वह मलयालम दैनिक समाचार पत्र मातृभूमि के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। 28 मई 2020 को केरल के कोझिकोड में कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका निधन हो गया। वीरेंद्र कुमार का जन्म मारुदेवी आबा और सोशलिस्ट पार्टी के नेता और पूर्व विधायक पद्मा बाबा गोदर से 22 जुलाई 1936 को कलपेटा में एक लोकप्रिय जैन परिवार में हुआ था। कालपेटा में और कोझिकोड में स्कूलिंग के बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन विवेकानंद कॉलेज माटा से फिलोसॉफी में स्नातक की पढ़ाई की। एक सक्रिय राजनीतिज्ञ और पूर्व समय समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष और राष्ट्रीय समिति के सदस्य थे। सोशलिस्ट पार्टी की केरल यूनिट के स्टेट सेक्रेटरी, पूर्व समाजवादी पार्टी के अखिल भारत सेक्रेटरी में से एक, पूर्व जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और इसके प्रेसिडेंट थे। आपातकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 1987 से 1991 के दौरान वह केरल विधानसभा के सदस्य चुने गए। बाद में 1996 में वह कोझिकोड निर्वाचन क्षेत्र से भारत के संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए चुने गए और लेबर और बाद में फाइनेंस राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। 28 मई 2020 को कालीकट के एक प्राइवेट अस्पताल में उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और उनकी मृत्यु हो गया। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर इसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।